वेरी स्पेशल गुड इवनिंग बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था ये, ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो आज बच्चों अपन बात करेंगे इसमें हिस्टेरिस कर्व के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था इसमें अपन ने टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करी थी, और मैंने आपको कहा था कि टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में तीन मटेरियल अपने पढ़े थे बच्चों, डायप मैग्नेटिक, ठीक है ना, पैरा मैग्नेटिक, और एक बच्चों कौन सा था अपने पास में, फेरो मैग्नेटिक, ठीक है, डाई मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, और ये कौन सा था बच्चों, फेरा मैग्नेटिक, ठीक है, इनको डिटेल से पढ़ा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हिस्टेरिसिस कर्व। तो हिस्टेरिसिस कर्व जो है बच्चों वो अपन ड्रॉ करते हैं आई और एच के बीच में, ठीक है, और ये बेसिकली प्रॉपर्टी किसकी होती है, फेरो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो डाई मैग्नेटिक में मैंने आपको बताया था कि भाई जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर एटॉमिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है। हर एक एटम के पास में अपना खुद का कोई डाई एटॉमिक, ठीक है, मोमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद अपने देखा पैरामैग्नेटिक में, देखा तो पैरामैग्नेटिक में अपन ये देखा कि हर एक एटम जो होता है, हर एक एटम के पास में अपना खुद का मोमेंट होता है, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट होता है, एम होता है उसके खुद के पास में, ठीक है। और उसके बाद में मैंने कहा था फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में क्या होते हैं कि जो हर एक फेरोमैग्नेटिक में भी सेम होगा, फेरोमैग्नेटिक में भी क्या होगा, एटम होंगे, एटम, हर एक एटम के पास में अपना खुद का एटॉमिक डायपोल मोमेंट होगा, खुद का होगा उनके पास, ठीक है। प्लस वहां पर क्या मिलेंगे, डोमेन मिलेंगे। डोमेन का मतलब क्या होगा कि जो भी एटम है उन सबका एक ग्रुप बन जाएगा, जो एटम है उन सबका बच्चों क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, सबका अपना अपना ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक डोमेन लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि भाई हिस्टेरिसिस कर्व होता क्या है, ठीक है, हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है। तो मैंने एक सैंपल लिया है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो पहले तो ये ध्यान रखना, ये फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टी है, ये ग्राफ अपन को पढ़ना है। तो मैंने क्या करा, एक इनिशियल में एक स्पेसिमेन लिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, क्या लिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, ये उसकी इनिशियल स्टेट है। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करा, मैंने कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करा। और आपको पता है जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है वो कितना आता है, जीरो, ठीक है ना। हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। आपको जो एरो नजर आ रही है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ठीक है ना, ये देखो एक एटम है उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैंने छह एटम लिए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, करोड़ों होते हैं, तो मैंने छह लिए। तो मैंने देखा भाई इसके हमने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो अभी बताओ इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा बच्चों वो कितना होगा, जीरो होगा। अब इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब बच्चों ये मैग्नेटाइज नहीं है, ये क्या नहीं है, मैग्नेटाइज नहीं है, ठीक है ना। आपको अगर याद हो तो आई और एच में रिलेशन बच्चों ये होता था आई इक्वल टू जीटा एम, ठीक है, जहां एच क्या होता था, एच ये होता था कि आप जो स्पेसिमेन ले रहे हो उस पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना स्ट्रांग है वो, तो ये क्या होता था बच्चों, ये आपके पास में होती थी इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई कितना आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो इस सब्सटेंस पर, कितना मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ। और आई क्या होता है, आई ये होता है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो कितना अंदर वो मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइज होने का मतलब कितने डाइपोल ऐसे हैं जो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, एच के डायरेक्शन में, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे के फेट को कैंसिल नहीं करेंगे, और फिर इन सबका एम ऐड हो रहा है, यानी कि कितने वो अंदर मैग्नेटाइज हो गए। तो आई का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन, आई का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, आई का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन। तो मैंने देखो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओ पॉइंट से, तो मैंने ये देखा कि भाई साहब ओ पॉइंट का मतलब मैंने एक ऐसा स्पेसिमेन लिया, ठीक है, स्पेसिमेन लिया जिसके अंदर देखो मैंने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई भी नहीं करा, तो हर एक एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो था लेकिन वो मैग्नेटाइज नहीं था, तो आई कितना था, जीरो था। फिर मैंने क्या करा, इस स्पेसिमेन को एक सोलेनोइड कॉइल के अंदर रख दिया, किसके अंदर रख दिया, सोलेनोइड कॉइल के अंदर, और आपको पता है द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड कॉइल वो बच्चों कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये होता है। उसके बाद में मैंने क्या करा कि जैसे मैंने इसको यहाँ रखा, ठीक है ना, उसके बाद मैंने करंट फ्लो स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। अब क्या होगा बच्चों, देखो जब मैं करंट मैंने स्टार्ट करी फ्लो करनी, और करंट को मैंने इंक्रीज करा, अब करंट को इंक्रीज करूंगा तो जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब कौन सा हो गया, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, जो इसके लिए किसका काम करेगा, एक्सटर्नल का। तो जैसे जैसे बच्चों मैं करंट इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं स्मॉल आई यानी कि करंट को इंक्रीज करूंगा,
ठीक है, वैसे वैसे इस सोलोनॉइड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, यानी इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि एच क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप ये देखो, ओ से लेकर एच तक, ओ से लेकर एच तक देखो एच कंटिन्यूस राइज हो रहा है। जैसे जैसे बच्चों एच राइज होगा, वैसे वैसे आई राइज होगा। क्यों राइज होगा? जैसे जैसे बच्चों एच राइज होगा तो ये जो एम है, ये आपके पास में जो एटोमिक डायपोल है उन पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है ना, आप राइज करते जाओ, आप करंट करंट को राइज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ करते जाओ, बी इंक्रीज होता जाएगा, एच इंक्रीज होता जाएगा, और जितना ज्यादा बी होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा इन अलाइनमेंट पर, इन एटोमिक डायपोल पर, ये सारे के सारे अलाइन हो गए। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे बच्चों मैं ओ से ए मूव कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने एच इंक्रीज करा, आई भी इंक्रीज होता गया। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर कौन सी स्टेज आ गई, सैचुरेशन की स्टेज। और सैचुरेशन की स्टेज मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी, सैचुरेशन का मतलब ये होता है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि कितने एटम अलाइन हो गए, यानी कि सारे के सारे जो एटम है बच्चों वो अलाइन हो चुके हैं। अब देखो कोई भी एटम नहीं बचा, देखो छह के छह एटम लिए थे मैंने और छह के छह अलाइन हो गए, यानी कि इस पॉइंट पर ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर बच्चों आपको आई क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ए पॉइंट पर आपको आई कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। देख लो छह के छह क्या हो गए बच्चों, अलाइन हो गए, कोई दिक्कत वाली बात, छह के छह क्या हो चुके इसमें, अलाइन हो गए, बढ़िया बात है। उसके बाद में अब ए से आगे मैं मूव करूंगा तो सैचुरेशन स्टेट आ चुकी है। अब सैचुरेशन स्टेट में क्या होगा, अब एच को कितना भी इंक्रीज कर दो, अब आई इंक्रीज नहीं होगा, सैचुरेशन स्टेट आ चुकी है। तो उसके बाद मैंने क्या करा कि ए के बाद में मैंने बच्चों बी को डिक्रीज करना स्टार्ट करा, बी का मतलब एच को, मैंने एच को डिक्रीज करा, मैं डिक्रीज करता गया करता गया करता गया करता गया, ठीक है, डिक्रीज एच को कम करना है। तो बच्चों देखो एच को कैसे कम करोगे, एच को कम करना यानी कि बी को कम करना है, और बी को कम करने का मतलब करंट को कम करना, यानी कि ये जो सोलेनोइड कॉइल है इसमें बच्चों आप करंट को डिक्रीज करते रहे, आप करंट जो है करंट को डिक्रीज करते रहे, ठीक है ना, करंट डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना, करंट डिक्रीज होती जाएगी, होते होते एक पॉइंट बी पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर करंट कितनी कर दी आपने, जीरो कर दी। करंट जीरो है इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कितना है, जीरो है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है इसका मतलब बच्चों एच भी कितना हो गया, जीरो हो गया। और जब एच जीरो हो जाएगा तो इन पर कोई टॉर्क लगेगा नहीं, तो ठीक है, तो क्या हुआ, एच तो जीरो हो गया लेकिन आई जीरो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी बच्चों इसके अंदर मैग्नेटिज्म है, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है भाई। मैंने आपको बताया था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि एक बार आपने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, उसके बाद में अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर दिया तो कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज उसमें बचेंगे। तो इसमें देख लो, अभी भी देखो बी पॉइंट जो है मेरा, बी पॉइंट यहाँ पर, एच को मैंने जीरो कर दिया, जीरो कैसे करा, करंट को कम करते करते, ठीक है, करंट को कम करते करते जीरो करा, तो बी भी जीरो हुआ, एच भी जीरो हो गया। तो अभी भी देखो बहुत सारे एटम, ठीक है, छह एटम लिए हैं, इसमें से देखो 1 2 3 4 अभी भी 4 एटम ऐसे हैं जो मैग्नेटाइज है, जिनकी डायरेक्शन देख लो इधर है, सिर्फ दो की चेंज हुई है, तो आई जीरो नहीं हुआ है, आई यानी कुछ तो कुछ बचा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये ओबी, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। रिटेंटिविटी ये बताती है कि आपने जब एच को जीरो कर दिया तो कितना मैग्नेटाइज बचा उसके पास में। अगर मान लो ये जो बी है ना, ये बिल्कुल अगर ए के सामने आता, यानी कि अगर मान लो आपने एच को जीरो कर दिया, एच को जीरो करने के बाद में ये छह के छह एलिमेंट वैसे के वैसे हैं, इसका मतलब वो परमानेंट मैग्नेट है, वो अच्छा परमानेंट मैग्नेट है। तो रिटेंटिविटी बच्चों जितनी ज्यादा होती है, ठीक ना, उस फेरोमैग्नेटिक से परमानेंट मैग्नेट बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो रिटेंटिविटी है, ये ओबी वाला जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है रिटेंटिविटी। डेफिनेशन लिखी है मैंने, रिटेंटिविटी ऑफ ए स्पेसिमेन इज मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेनिंग इनटू फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन व्हेन मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज रिमूव। यानी कि रिटेंटिविटी देखो सिंपल भाषा में ये बताती है, रिटेंटिविटी आपको क्या कहती है, रिटेंटिविटी आपको ये कहती है, ये रिटेंटिविटी है वो आपको ये कहती है कि जब आप एच को जीरो कर दोगे ना तो कितना आई बचेगा। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद में भी कितना मैग्नेटाइजेशन आई, यानी कितना मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर बचा, यानी कितने ऐसे एटम है जो अभी भी वैसे ही अरेंज है, ठीक ना, अभी भी वो वैसे ही अरेंज है जैसे वो पहले थे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 यानी कि चार एटम अभी भी ऐसे हैं जो पहले जैसे अरेंज थे, सिर्फ दो चेंज हुए, यानी कि अभी भी इसके पास में बी पॉइंट पर आई कुछ ना कुछ बचेगा, जीरो नहीं होगा लेकिन एच जीरो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, अब देखो बी से सी में गया, अब बी से सी जब मैं जा रहा हूं तो देखो मैंने एच की डायरेक्शन चेंज कर दी, एच की डायरेक्शन बच्चों क्या कर दी मैंने, चेंज कर दी। बी से सी देखो, बी से सी जब मैं यूं जा रहा हूँ, ओरिजिन से मैं यूं जा रहा हूँ, तो इसमें बी से सी देखो मैंने एच को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। एच को नेगेटिव करने का मतलब, एच को नेगेटिव करना है यानी कि एच की डायरेक्शन चेंज करनी है, एच की डायरेक्शन चेंज करनी है यानी कि बी की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो बी की डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे,
करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो उसमें। इसमें देखो करंट यूं जा रही है ना, ऐसे यूं, इसमें करंट रिवर्स कर दो, ठीक है ना, करंट इसमें रिवर्स कर दो। इस बार ये वाली करंट ऊपर कर दो, ये नीचे आएगी, यानी करंट इस बार यूं जाएगी ऐसे यूं। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो बी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और बी की डायरेक्शन चेंज होगी तो एच की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, ठीक है ना, बी से सी मैंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी, प्लस मैं करंट बढ़ाया जा रहा हूँ। एक तो मैंने करंट को रिवर्स भी कर दिया, प्लस मैं करंट इंक्रीज कर रहा हूँ। करंट इंक्रीज होगी, बी इंक्रीज होगा, एच इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे बच्चों एच इंक्रीज होगा तो टॉर्क लगेगा। तो ये जो एटम्स हैं, ये वाले जो एटम थे बी पर, देखो जैसे मैंने एच अप्लाई करा तो इन सब पर टॉर्क लगना शुरू हो गया। तो मेरे पास में जो चार एटम थे ना, ठीक है ना, एच इधर अप्लाई करा मैंने लेफ्ट साइड में, और ये थे राइट साइड में, तो इन पर टॉर्क लगा। एक कंडीशन ऐसे आई कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रेंडमली अलाइन होने स्टार्ट हो गए। रेंडमली क्यों हो गए, क्योंकि देखो ये एटम ऐसे थे, ये वाले जो एटॉमिक डायपोल मोमेंट है ये राइट में थी, एच मैंने अप्लाई कर दिया लेफ्ट में, तो टॉर्क इधर लगेगा लेफ्ट में। तो जो चार थे उनको भी इसने यूं घुमा दिया। तो सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट अपन को मिला जहां पर ये डीमैग्नेटाइज हो गया। डीमैग्नेटाइज का मतलब सारा ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों कितना हो गया, जीरो हो गया। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो बच्चों कितना हो गया, वो जीरो हो गया। बढ़िया बात है सी। तो सी पॉइंट पर जब आप पहुंचे तो सी पॉइंट पर एच जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, लेकिन आई जो है वो जीरो हो चुका है। तो सी पॉइंट पर देखो आई जीरो हो गया है, एच आप अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद में सी से डी आप एच अभी भी अप्लाई कर रहे हो। देखो सी से डी जब आप मूव करोगे तो एच को आप बढ़ाए जा रहे हो उसी डायरेक्शन में, यानी कि एच को आप बढ़ाए जा रहे हो। तो एच को कैसे बढ़ाओगे भाई, करंट को बढ़ाओ, करंट बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा। रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपने एच को बढ़ाया तो अब इस पर टॉर्क लगेगा, इन सब पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले यूं अरेंज थे, इसमें देखो यूं अरेंज थे, अब ये मॉलिक्यूल्स यूं घूम गए, अब एच इधर लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स जो है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आई क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सी से डी बच्चों देखो आई इंक्रीज हो रहा है, आई का मतलब ये मैग्नेटाइज होने है वापस। तो मैग्नेटाइज होते होते डी पॉइंट आ गया, यानी कि डी सैचुरेशन पॉइंट आ गया। डी सैचुरेशन का मतलब जो ये मैंने छह एटम लिए हैं, छह के छह लेफ्ट साइड में बच्चों क्या हो गए, अरेंज हो गए। तो ये कौन सी स्टेज आ गई, सैचुरेशन। लेकिन ये देखो कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि ए में देखो ए में भी सैचुरेशन था, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स राइट डायरेक्शन में अलाइन हुए थे, ठीक है ना। इसमें देखो किधर अलाइन हो रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में होंगे, एच के डायरेक्शन में। इसमें देखो ये भी एच के डायरेक्शन में थे, इधर देखो ये भी एच के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो गए। लेकिन नेगेटिव को बोलूंगा, डी को मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव सैचुरेशन। क्यों, क्योंकि एच क्या है, नेगेटिव है, ये अलाइन हुए हैं लेकिन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाले को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, और ये देखो राइट में था, तो उसको पॉजिटिव सैचुरेशन बोल दिया। तो मैंने देखा, बढ़िया बात है भाई साहब, डी पर कौन सा पॉइंट आ गया, सैचुरेशन आ चुका है, ठीक है, नेगेटिव सैचुरेशन। अब डी पर देखो, अगर अब मैं डी से आके बच्चों एच बढ़ाऊंगा तो क्या अलाइनमेंट बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, अलाइनमेंट तो मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच चुका है। तो उसके बाद में डी के बाद में देखो, मैंने डी से ई देखो मैंने एच को वापस रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। एच को कैसे रिड्यूस करोगे, करंट को रिड्यूस करो, बी रिड्यूस होगा, एच रिड्यूस होगा। तो मैंने देखा कि भाई साहब डी से ई मैंने करंट को कम करा, मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, एच कम हुआ। जैसे जैसे बच्चों एच कम होगा, ठीक है ना, उन पर टॉर्क कम लगेगा, ठीक है ना। ये जो मेटल है, ये जो डाई एटोमिक है, ये वापस इक्के दुक्के डाई एटोमिक जो है, इक्के दुक्के सारे नहीं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है, तो इक्के दुक्के वापस मिस अलाइन होंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आई, ई पॉइंट एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पर मैंने एच को जीरो कर दिया। तो ई पर देखो एच जीरो है, लेकिन अभी भी देखो कुछ मॉलिक्यूल्स देखो 1, 2, 3 और ये देखो लगभग 4, यानी कि कुछ जो एटॉमिक डायपोल है अभी भी बच्चों इस डायरेक्शन में अलाइन है। आई बिल्कुल जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप एच को जीरो कर दोगे, यानी कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 100% रिमूव कर दोगे तो भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बचेगा, ये प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक की। तो बढ़िया बात है भाई साहब, ई पर आपने देखा एच जीरो कर दिया, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन है, अभी भी बच्चों इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन है इसके अंदर। बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखा ई से एफ, तो बच्चों ई से एफ मैंने क्या करा, एच को इंक्रीज कर रहा हूँ। अब देखो ई से मैं एच इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इसमें फिर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। और जब मैं ई से एफ मैं जब एच को अप्लाई करूंगा तो एच आएगा तो टॉर्क लगेगा। ये देखो एच पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये चाह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एच जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में बच्चों ये जो एटॉमिक डायपोल मोमेंट है उन पर टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगना शुरू हो गया, ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी आई एफ जहाँ पर ये डी मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स घूमेंगे यूं,
जब घूमेंगे तो बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर बच्चों ये क्या हो गए, डी मैग्नेटाइज हो गए। डी मैग्नेटाइज का मतलब इनके अंदर आई कितना है, जीरो है, यानी कि इसने इसको कैंसिल करा, इसने इसको कैंसिल करा, इसने इसको कैंसिल कर दिया, सबने अपने अपने एम को कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी भी हम रुके नहीं, अभी भी एच लग रहा है। फिर हमने क्या करा, एच को और बढ़ाया, करंट को और बढ़ाया, तो बढ़ाते बढ़ाते बच्चों ये कौन से स्टेज पर आ गया, ये वापस ए पर आ गया, यानी कि एफ से देखो, देखो बच्चों एफ से आप कहाँ जा रहे हो, ए पर जा रहे हो, एफ से ए पर जा रहे हो, तो जैसे ही आप ए पर जाओगे तो वापस बच्चों ये कौन सी स्टेज आ जाएगी, सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी। कौन सी स्टेज आ जाएगी, सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी। और एच को कैसे बढ़ाओगे, करंट को बढ़ाओ, एच क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसमें ये वाला जो पोर्शन है बच्चों ओ सी, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कोर्सिविटी। देखो रिटेंटिविटी जो होती है, हिंदी में रिटेंटिविटी को बच्चों कहते हैं सुग्राहिता, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, निग्राहिता, इसको धारणशीलता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धारणशीलता भी बोलते हैं इसको। धारणशीलता का मतलब कितना उसने मैग्नेटिक फील्ड को यानी चुंबकत्व को धारण करके रखा है। और कोरेसिविटी जो है, कोरेसिविटी को हिंदी में बोलते हैं निग्राहिता, क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी को निग्राहिता। कोरेसिविटी का मतलब सिंपल देखो, कोरेसिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना माइनस एच अप्लाई करूँ, कितना माइनस एच अप्लाई करूं, ठीक है ना, कि आई कितना हो जाए, जीरो हो जाए, आई कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो ओसी जो दिख रहा है उसको बोलते हैं कोरेसिविटी। डेफिनेशन मैंने लिखी है, कोरेसिविटी इज एन मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन। क्योंकि ए पर बच्चों, ए जो पॉइंट है, ए पर तो ये सैचुरेशन स्टेट आ गई थी, उसके बाद में उसको डी मैग्नेटाइज करना है, तो डी मैग्नेटाइज करते 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 जब हम सी पर आए, तो सी पर आपने ये देखा कि कितना नेगेटिव एच अप्लाई करूं कि बच्चों उसमें आई कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो ओसी जो है इसको बोलेंगे कोरेसिविटी, ठीक है। और ये जो साइकिल बन रहा है बच्चों, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस करो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिस्टेरेसिस करो। ये आपका हिस्टेरेसिस करो है, यानी कि हिस्टेरेसिस करो में अपन ने ये सीखा कैसे वो मैग्नेटाइज होगा और कैसे वापस बच्चों वो डी मैग्नेटाइज होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लें, ठीक है, पूरा नोट कर लें बच्चों इसको, ठीक है, नोट कर लिया बच्चों इसको, ठीक है, हो गया नोट ये। उसके बाद में देखो अपन आगे की बात करते हैं, कर लिया है बच्चों नोट, ठीक है। अब देखो मैं आगे की बात करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये काम का नहीं है, ठीक है। और कहाँ कहाँ देखो ये मैग्नेटाइज हुआ, कहाँ का ये डी मैग्नेटाइज हुआ, इसको लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं बात करता हूँ ए पॉइंट, ए पॉइंट पर देखो ये मैग्नेटाइज हो गया था, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट पर बच्चों ये क्या हो गया था, मैग्नेटाइज, ठीक है। और ए से बी पर गए, बी पर देखो एच जीरो था, ठीक है ना, और सी पॉइंट पर वापस बच्चों ये कहाँ पर हुआ, देखो आई एक तो देखो आई मैक्सिमम कहाँ पर थी, ए पॉइंट पर, तो जहाँ पर आई मैक्सिमम था ना वहाँ पर देखो 100% क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। बी पर तो चल रहा है, सी पर देखो वापस आई जीरो हो गया, यानी कि वापस आई जीरो होने का मतलब वापस बच्चों ये क्या हो गया, डी मैग्नेटाइज हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये डी मैग्नेटाइज हो गया सी पर। सी से वापस अपन डी पर आए, डी पर आई वापस मैक्सिमम हो गया, ठीक है, डी पर वापस बच्चों ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। और उसके बाद में डी से वापस अपन कहाँ गए, जहाँ आई जीरो हो रही है, एफ पर। जैसे ही अपन एफ पर आए, एफ पर वापस बच्चों ये क्या हो गया, डी मैग्नेटाइज, क्या हो गया, डी मैग्नेटाइज, ठीक है। और ये जो कर्व बनता है, मैग्नेटाइज, डी मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज और ये डी मैग्नेटाइज, इसको बच्चों मैं क्या बोलूँगा, हाई या हिस्टेरेसिस करो, करो कह दो या साइकिल कह दो, एक ही बात है, हिस्टेरेसिस साइकिल ही बोल दो बच्चों को, ठीक है, और हिस्टेरेसिस लूप कह देते हैं बच्चों, ये आपके पास में हिस्टेरेसिस लूप हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हिस्टेरेसिस करो तो अपने पास में हिस्टेरेसिस करो गया, इसको बच्चों मैंने क्या बोल दिया, हिस्टेरेसिस लूप बोल दिया, क्या बोल दिया, हिस्टेरेसिस लूप बोल दिया, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, इसको भी। अब देखो बच्चों मैं बात करता हूँ कि भाई हिस्टेरेसिस का देखो मतलब क्या होता है, हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है,
तो स्ट्रेच का मतलब होता है कि बच्चों जो मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो लैग चलता है, यानी कि आई इज लैगिंग, आई इज लैगिंग बिहाइंड एच, आई इज लैगिंग बिहाइंड एच, यानी कि आई जो है बच्चों एच से वो क्या चलता है, पीछे चलता है। कैसे पता चला? अब ये देखो ये वाला पॉइंट कि भाई ओ से एक है, मैग्नेटाइज हुआ, सेचुरेटेड आई, उसके बाद में इसको डीमैग्नेटाइज करना शुरू करा, तो बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर देखो एच तो जीरो हो गया लेकिन आई अभी जीरो हुआ नहीं है। एच पहले जीरो हुआ है, आई अभी जीरो नहीं हुआ है। अब सी पॉइंट पर जब पहुंचे ना तो आई अब जीरो हुआ है लेकिन एच अब जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है, कि आई इज लैगिंग बिहाइंड और ग्राफ जो है वो यूनिक ग्राफ नहीं है, यानी कि एच के एक वैल्यू पर आई की आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। यानी जैसे मान लो मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा एच है मेरे पास में, और एच की जब मैं ये वैल्यू देखूँ, कलर शॉक लेते हैं, तो ये देखो अगर मैं एच की ये वाली वैल्यू लेता हूँ, देखो बच्चों एच मैं ये लेता हूँ, इस पर देखो मैं थोड़ा सा पास में ले लेता हूँ यहाँ, इस पर देखो बच्चों दो वैल्यू मिलेगी। मैंने एच की ये वैल्यू ली तो इस पर देखो एक तो आई की वैल्यू ये मिलेगी, एक बच्चों आपको ये मिलेगी और एक बच्चों आपको ये मिलेगी। तो एच की यूनिक वैल्यू पर आई की यूनिक वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ये लिखो यूनिक वैल्यू ऑफ एच, यूनिक वैल्यू ऑफ एच आई नॉट हैव सिंगल वैल्यू। तो यानी कि एच के एक सिंगल वैल्यू पर, यानी कि मैंने एच की ये वैल्यू ली है, तो एच की वैल्यू पर देखो आई की एक वैल्यू ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, एक ये मिलेगी। तो एच के एक सिंगल वैल्यू पर आई की एक सिंगल वैल्यू बच्चों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिख लिया ये। अब अपन बात करते हैं कि भाई साहब ये जो कर्व है, इस कर्व का जो एरिया है बच्चों वो किसको दिखाएगा? लूप जो है, ये जो लूप जो है, इस लूप का जो एरिया है बच्चों वो किसको दिखाएगा? वो दिखाएगा एनर्जी वेस्ट को। ठीक है ना, अब आप ये पूछोगे मैं कैसे पता चला बताओ ये एनर्जी वेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही? तो देखो एक रूल्स होता है, अगर आपके पास में कोई भी प्रोसेस है अगर वो रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में बच्चों एनर्जी का लॉस नहीं होता। रिवर्सिबल का मतलब कैसे हुआ कि भाई साहब मैंने देखा कि मैंने ओ से ए पर गया, अगर मैं ओ से ए पर गया और जैसे ही मान लो मैं एच को जीरो करा, तो ठीक है मैं ओ से जब ए पर जाऊंगा, यानी कि ओ से ए पर जाने का मतलब मैंने एच को इंक्रीज करा, ये मैग्नेटाइज हो रहा है, होता जा रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, एच को इंक्रीज कर रहा हूँ, होते होते ए पॉइंट पर सेचुरेशन स्टेट आ गई, मैग्नेटाइज हो गया। अब जैसे ही मैं अगर एच को जीरो करता तो ग्राफ वापस अगर ए से ओ आता तो ये ग्राफ कैसा होता? रिवर्सिबल। लेकिन ये ग्राफ कैसा है? इरिवर्सिबल है। ये कैसा है? इरिवर्सिबल है, यानी कि ओ से ए गए उसके बाद में ग्राफ देखो वापस ए से ओ नहीं आया, ए से बी आ रहा है। तो ये इरिवर्सिबल ग्राफ है, और इरिवर्सिबल ग्राफ में बच्चों एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। ठीक ना, तो ये ग्राफ का जो ये जो ग्राफ है, ठीक ना, इसका जो ये जो लूप दिख रहा है आपको, स्टेरिस लूप दिख रहा है, इसका एरिया जो है वो किसको बताएगा? एनर्जी लॉस को बताएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो ये तो कंफर्म है कि एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए लॉस होगा क्योंकि जो भी प्रोसेस है वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें लिखो बच्चों इन ईच साइकिल एनर्जी इज वेस्टेड। उसके बाद में लिखो इसमें एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस के करो एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम। एक मिनट ऑफ मटेरियल इन ए साइकिल मतलब मैग्नेटाइज
उसके बाद में आपने इसको करा डी मैग्नेटाइज, डी मैग्नेटाइज, और फिर ये हो जाएगा मैग्नेटाइज, और फिर ये बच्चा हो जाएगा डी मैग्नेटाइज। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन ईच साइकिल। ठीक है, मैग्नेटाइज, डी मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज, यानी कि यहाँ पर देखो ये मैग्नेटाइज, फिर यहाँ पर ये डी मैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, और फिर यहाँ पर वापस क्या हो गया, ये डी मैग्नेटाइज। ठीक है, तो ये कन्फर्म है कि ये जो हिस्टेरेसिस कर्व जो होता है इसमें बच्चों एनर्जी का वेस्ट होता ही होता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी का वेस्ट होगा ही होगा। इसको नोट करें बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ओपन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो ये हिस्टेरेसिस कर्व की बच्चों कहानी हो गई खत्म। ठीक है, और अब आगे की बात ओपन करते हैं इसमें देखो। दो मटेरियल की बात करते हैं बच्चों अपन, एक तो स्टील की और एक सॉफ्ट आयरन की। दो मटेरियल की अपन बात करते हैं इसमें, एक स्टील की और एक सॉफ्ट आयरन की बात करते हैं अपन इसमें। ये हो गया और ये तो खराब हो गया बच्चों आपके लिए, किसके लिए, सॉफ्ट आयरन के लिए, ये आई और ये एच। ठीक है, और दूसरा ये वाला ही ग्राफ ले लेते हैं अपन। ये ग्राफ है दूसरा बच्चों स्टील के लिए, ये एच ये आई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन इसके अंदर लिखो, दो मटेरियल हैं, आपने दो मटेरियल लिए हैं अपने, जो अपने ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सॉफ्ट आयरन का और एक बच्चों स्टील का। तो पहला तो आपको ये देखना है कि कौन सा परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सा बेस्ट है, विच 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 मटेरियल इज बेटर, विच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट। तो देखो बच्चों मैंने कहा था आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है बच्चों, परमानेंट मैग्नेट बनानी है। तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये होता है कि भाई साहब आपने एक फेरोमैग्नेटिक लिया, उस पर एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद में जो भी एटम है, जो भी आपके पास में एटॉमिक डायपोल मोमेंट है, उनका 100% अलाइनमेंट हो जाए, और उसके बाद में जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया उसके बाद में अलाइनमेंट बिगड़ना नहीं चाहिए, हमेशा जिंदगी भर के लिए वो अलाइनमेंट हो जाए, यानी कि एच जीरो हो जाए लेकिन आई जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी बच्चों ये तो बताती है, रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, आई। तो एक तो बच्चों इसके लिए आपको क्या चाहिए, आई रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी चाहिए, प्लस अपन ये चाहते हैं कि वो वापस डीमैग्नेटाइज ना हो। तो डीमैग्नेटाइज नहीं हो तो देखो ये तो बताती है आपकी ये रिटेंटिविटी जो होती है, रिटेंटिविटी ये बताता है कि वो कितना, ठीक है ना, कितने मैटर डिसअलाइनमेंट हुए हैं, और ये किसको बताता है, ये बताता है वो अब डीमैग्नेटाइज होने वाला है, कितना है चाहिए, तो हाई रिटेंटिविटी चाहिए बच्चों इसके लिए, हाई आई कोरिसिविटी चाहिए, और बच्चों आपको क्या चाहिए, लार्ज एरिया ऑफ लूप, लार्ज एरिया ऑफ लूप। ठीक है, तो ये बातें चाहिए अपन को। तो ये देखो बच्चों ये किसके अंदर हाई होती है, ये होती है हाई इन सॉफ्ट आयरन। ग्राफ में देखने पर हो सकता है आपको ये दिख रहा हो, देखो ये रिटेंटिविटी जो होती है
ये ज़्यादा है, ये थोड़ा ग्राफ में थोड़ा सा सही नहीं बनाए, इसकी रिटेंटिविटी थोड़ी कम होती है स्टील की, धारणा स्टील की रिटेंटिविटी कम होती है, इसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है सॉफ्ट आयरन की, लेकिन कोरोसिविटी जो होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और लार्ज ऑफ एरिया भी किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, ये बाकी की दो दो प्रॉपर्टी है, ये होती है हाई इन स्टील। भाई अपन को तीन प्रॉपर्टी चाहिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए अपन को रिटेंटिविटी हाई चाहिए, कोरोसिविटी बच्चों हाई चाहिए और लार्ज एरिया चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी तो मिल रही है सॉफ्ट आयरन में, बाकी दो प्रॉपर्टी किसमें मिल रही है, हाई स्टील में, किसमें मिल रही है, हाई स्टील में। तो आंसर क्या यूज करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे अपन इसके लिए, तो बच्चों इसके लिए जो आंसर है वो जाएगा फिर स्टील। तो स्टील जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, स्टील जो है वो ज़्यादा बेस्ट होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, स्टील ज़्यादा बेस्ट होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, क्योंकि बाकी की जो दो प्रॉपर्टी है वो बच्चों अपन को स्टील में मिल रही है, बाकी की जो दो प्रॉपर्टी है वो किस में मिल रही है बच्चों, स्टील में मिल रही है, हाई कोरोसिविटी और हाई लार्ज एरिया, वो किस में मिल रही है, स्टील में मिल रही है। परमानेंट मैग्नेट के लिए अपन किसको यूज करेंगे, स्टील को करेंगे, ठीक है, नोट करो बच्चों इस क्वेश्चन को। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मेटेरियल इज बेटर Which material is better to form coil of generator or coil of transformer? Generator या transformer, ठीक है अपन पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसमें भी आएगा अपने, ट्रांसफार्मर और या जनरेटर जो होते हैं इनकी जो कॉइल होती है बच्चों वो किसकी बनी हुई होनी चाहिए, सॉफ्ट आयरन की होनी चाहिए या फिर वो स्टील की होती होनी चाहिए। तो एक ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके अंदर आपको क्या प्रॉपर्टी चाहिए, इसके अंदर आपको ये चाहिए कि एक तो रिटेंटिविटी जो है बच्चों वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, कोरोसिविटी भी लो होनी चाहिए, एरिया भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो रिटेंटिविटी तो लो है बच्चों, किसके अंदर है, स्टील के अंदर, मैंने कहा था ना इसकी रिटेंटिविटी कम है, और बाकी की जो दो प्रॉपर्टी है बच्चों ये किस में है, सॉफ्ट आयरन में, किसमें है, सॉफ्ट आयरन में, यानी कि इस बार कौन बाजी मार गया, सॉफ्ट आयरन। तो ये ध्यान में रखना कि जो कॉल ऑफ जनरेटर जो होती है, कॉल ऑफ जनरेटर जो होती है या फिर ये कॉल ऑफ और कॉल ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो होती है बच्चों ये किसकी बनी हुई होती है, सॉफ्ट आयरन, किसकी बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की। तो ये तो यूज आता है बच्चों क्या बनाने में, परमानेंट मैग्नेट बनाने में, स्टील जो होता है वो यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, और सॉफ्ट आयरन जो होता है वो यूज होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, या फिर आपके पास है मान लो कि जनरेटर है उसकी कॉइल बनाने में, तो क्या यूज करेंगे इसमें, सॉफ्ट आयरन, ठीक है बच्चों। हिस्टेरेसिस कर्व को अपन यहीं एंड करते हैं, ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।